उज्जैन में पानी की समस्या को लेकर चिंतित शहरवासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि गंभीर डैम अपनी क्षमता 2250 MCFT के साथ लबालब हो गया है। लगातार गंभीर डैम में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंभीर डैम का एक गेट सुबह 6:45 बजे खोलना पड़ा। गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार हुई बारिश और यशवंत सागर डैम का गेट खोलने से अभी भी गंभीर डैम में पानी की आवक जारी है। पीएचई उप यंत्री आर के चौबे और राजीव शुक्ला ने बताया कि गुरुवार रात को गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया में हुई जोरदार बारिश और साथ ही यशवंत सागर के गेट खोले जाने के फलस्वरूप गंभीर डैम शुक्रवार को प्रातः 5 बजे अपनी पूर्ण क्षमता 2250 MCFT के साथ लबालब हो गया। वहीं पानी की आवक को देखते हुए प्रातः 6:45 बजे एक गेट 1 मीटर खोल दिया गया है। वहीं सुबह उक्त गेट को 1.5 मीटर तक खोलना पड़ा है। यशवंत सागर का पानी आना शेष है तो अपन ने उसका जो पानी आ जाए अपने को अधिक मात्रा में गेट नहीं खोलना पड़े, कम गेट की मात्रा खोलते ही अपना बाढ़ का अपन संचालन जो आए पानी आए उसकी निकासी कर सकें। इसकी 1 मीटर 3 नंबर गेट 5430 क्यूसेक पानी निकासी अपन ने शुरू कर दी है और अपना लेवल मेंटेन किया रहा 483.10 तक लेवल मेंटेन किया जा रहा है और नीचे के लेवल पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब उज्जैन का पेयजल का संकट जो थे दोनों से अपन इंतजार कर रहे थे, आज भगवान महाकाल ने अपन सबको निजात, पूरे शहर को निजात दिला दी है। पानी बचा रह गया था और लगभग शहर जल संकट के मुहाने पर ही खड़ा हुआ था, लेकिन जब से जो बारिश का दौर चालू हुआ और थोड़ा थोड़ा करके पानी डैम में आने लगा और विगत 10 दिन से तो यशवंत सागर इंदौर के डैम के गेट लगातार खुलने से हमको रोज़ कम से कम 100 से 150 MCFT पानी की वृद्धि प्रतिदिन हो रही थी, जो कल रात्रि तक हमारे पास में लगभग 1900 MCFT आ गया था। और कल रात्रि के कैचमेंट एरिया में, अपने गंभीर के कैचमेंट एरिया में भी बहुत अच्छी बारिश हुई। प्लस इसके अलावा यशवंत सागर का एक गेट भी 5 फीट खोला गया रात के 1 बजे से, सुबह 6 बजे तक लगातार पानी का प्रवाह रहा, उसके कारण ये स्थिति बनी कि गंभीर डैम के गेट भी खोलना पड़े। 1 सप्ताह पहले तक गंभीर डैम की स्थिति देखकर लग रहा था कि अगर जोरदार बारिश नहीं हुई तो पेयजल संकट के लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा, लेकिन यशवंत सागर से छोड़े जा रहे पानी के बाद गंभीर डैम में बढ़ते जलस्तर ने पेयजल संकट की सभी चिंताओं को खत्म कर दिया है। गंभीर डैम के लबालब होने के कारण अब नगर निगम द्वारा कभी भी प्रतिदिन जल प्रदाय का निर्णय लिया जा सकता है। सिटी चैनल के लिए पुष्कर दुबे की विशेष रिपोर्ट।